दोस्तों स्वाद के सफर में मैंने आपको मिठाइयाँ खिला दी, मैंने आपको हॉट डॉग खिला दिया, मैंने आपको चाट खिला दिया, लेकिन कुछ इटालियन और मैक्सिकन की बारी है तो हमारे कुछ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक भैया है और काफ़ी यंग जनरेशन है इनकी, ये राहुल गौड़, और ये इतना फेमस है, ये 56 दुकान है यहाँ पे, सारी 56 दुकानें हैं, लेकिन इनका एक पिज़्ज़ा है जो 56 का 56 है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा दोस्तों और सही सुना, 56 रुपये का 56 का पिज़्ज़ा तो है ना ही अल्टीमेट, 56 में पिज़्ज़ा कौन देता है यार, लेकिन ये भैया ने वादा किया है कि हम 56 में 56 का पिज़्ज़ा देते हैं। तो देखते हैं स्वाद कैसा है कि 56 की स्वाद की कैटेगरी पे और हमारे फूड की कैटेगरी के स्टैंडर्ड पे ये खरा उतरता है कि नहीं, हम देखते हैं और चलते हैं। हेलो भैया, हाय हाय। तो आप देख सकते हो गाइज, हमारे साथ में ये राहुल जी गौड़ है। राहुल जी, मैंने सुना है कि आपने ये 56 पे 56 का पिज़्ज़ा स्टार्ट किया है, तो ये ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से ये 56 मार्केट तो फेमस है, लेकिन ये 56 का 56 पिज़्ज़ा क्या है, बताएंगे? 56 पे 56 का पिज़्ज़ा मेरा लाने का मोटो डोमिनोज और ये अभी अब ज़्यादातर सभी चौकों पर पिज़्ज़ा मिलने लग गया है, पिज़्ज़ा जो फिर भी एक रेंज के 100 रुपये के ऊपर ही मिलता है जी हर कोई व्यक्ति से। दैट मीन्स कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो नॉर्मल इंडिया की जनता है और नॉर्मल जो खाउस फूड मिलता है और जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए आपने एक बजट क्लास पिज्जा स्टार्ट किया है। और मेरे वहाँ कुछ लोग पिज्जा खाने आते हैं, वो भी बोलते हैं हम लाइफ में पहली बार पिज्जा खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यंग जनरेशन, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 95। 25 यहीं के रहने वाले हैं। तो देखिए, ये राहुल हैं और ये यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन में खूब बिजनेस है इनका, और यंग माइंड हमेशा प्रोग्रेसिव होता है और हमेशा प्रोग्रेसिव सोचता है। तो एक 56 का 56 पिज्जा हम भी ट्राई करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम आपको 56 का 56 पिज्जा दिखाते हैं। हमने अपने चैनल पे आपको पिज्जा बनते हुए तो दिखाई है, लेकिन ये 56 का जो 56 पिज्जा है वो कैसे बनता है वो हम दिखाएंगे और ये फूड एक्सप्लोर कराते हैं। चलिए 56 का पिज्जा बनाइए। दोस्तों आप देख सकते हो कि राहुल जी हमारे लिए 56 का 56 पिज्जा बना रहे हैं। तो ये जो 56 का 56 पिज्जा है, अभी आपने कौन सी टॉपिंग डाली? पिज्जा टॉपिंग, पिज्जा पास्ता, पिज्जा टॉपिंग। ये कौन सा डाला? ये सर अपना तंदूरी सॉस है। नहीं, ये मेरा होममेड सॉस है। अच्छा, होममेड सॉस बनाया आपने स्पेशली पिज्जा के लिए? हाँ, स्पेशल पिज्जा के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो ये आपने बेस यूज किया है काफी फ्लफी है। हाँ, ये आप स्पेशली बनवाते हैं कि? जी सर, स्पेशली बनवाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि हम दोनों यूट्यूबर्स यहाँ आ गए हैं और इनका 56 का जो पिज्जा है, 56 में पिज्जा मिलता है? 56 में पिज्जा मिलता है क्या? सब कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ मिलता है पूरी इंडिया में। हम 56 का पिज्जा 56 दुकान से दिखा रहे हैं। और ये देखिए टॉपिंग्स लगा दी भैया ने, अनियंस, कैप्सिकम, और इसके ऊपर इन्होंने मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं और ओरेगानो डाल दिया है। ये सॉस आप खुद ही बनाते हैं भैया? आप देख सकते हैं चिली फ्लेक्स आ गया है, गार्लिक पाउडर आ गया, ये कौन सा पाउडर डाला आपने? ये सर अपना व्हाइट पेपर पाउडर डाल दिया आपने। मेयो, ये वेजिक मेयो है? लिक्विड। अच्छा, लिक्विड चीज डाला आपने, ये लिक्विड चीज डाल दिया। चीज, ये चीज कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अमूल चीज है। वाह, अमूल चीज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स भी जोरदार है, क्रीम चीज भी डाल दिया भैया ने और अमूल का चीज जो है प्रोसेस चीज डाल रहे हैं, पनीर और इसके ऊपर पनीर की टॉपिंग है। वाव, क्या यहाँ पे मोजरेला चीज डाल दिया इन्होंने। ये 56 का जो 56 पिज्जा है स्क्रैप, ये रेडी हो चुका है और अभी ये जाने को तैयार है, जा चुका है। कितनी देर इसको आप टेक करेंगे? सर 5 to 7 मिनट, मिनिमम 3 to 5 मिनट रहता है, लेकिन वो ओवन के टेम्परेचर के ऊपर है कितना टेम्परेचर है। तो दोस्तों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि 56 का जो पिज्ज़ा है वो यार अल्टीमेट कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा। हम भी काफ़ी एक्साइटेड है इंदौर में 56 का पिज्ज़ा। तो मैं ओवन महाराज से कहूँगा कि जो 3 मिनट का समय है वो जल्दी गर्म कर दो और ये 2 मिनट भी बाहर निकाल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मस्ती मजाक के साथ जो खाना आप खाएं
तो काफ़ी वेस्ट है। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी हुए, ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का, और जब भी आए तो इसको ज़रूर रिकमेंड करें। लेकिन ये फूड हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको रिकमेंड करेंगे ये टेस्ट कैसा है। राहुल भाई का 56 का 56 पिज़्ज़ा, और यहाँ पे अच्छी वेराइटीज़ है। यहाँ पे इनका तंदूरी चाय बहुत फेमस है, तो चाय तो राहुल बोस हम शाम को पियेंगे, अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे 56 का स्पेशल 56 पिज़्ज़ा। और देखते हैं कि 56 का जो 56 पिज़्ज़ा है वो देखिए, भैया ने इसको घुमा दिया है इस तरह से। तो गाइस हमारा जो 56 का 56 पिज़्ज़ा है वो रेडी हो गया है और भैया इसको कट कर रहे हैं। वाओ, लुक सो डिलीशियस। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी 56 दुकान पे 56 रुपए का 56 पिज्जा, राहुल का 56 है रुपए का 56 का कुछ शॉप नंबर 42 दुकान इंदौर, 56 दुकान पे 56 रुपए का पिज्जा। ये शॉप नंबर 42 पे राहुल गौड़ का तंदूरी चाय एंड 56 पिज्जा। और ये 56 पिज्जा इसलिए है कि ये 56 दुकान प्रीमिसेस है और यहाँ पे 56 रुपए का 56 पिज्जा आप देख सकते हो गाइस, कितना अल्टीमेट है। और ये फूड इतना अच्छा है, खुशबू अच्छी आ रही है, हम उसको बाहर एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये 56 दुकान का 56 पिज्जा जो है, 56 रुपए का पिज्जा, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये इसमें क्या टेस्ट है और ये रिकमेंडेशन के कगार पे है, ये रिकमेंडेशन के लायक है या नहीं, तो सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। ये 56 का 56 पिज्जा मेरे टेस्ट पर काफ़ी सॉफ्ट एंड सोगी है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उसको देखें, आप देख सकते हो क्या सॉफ्ट बेस है इसका और फुल्ली लोडेड है ये फुल्ली लोडेड 56 रुपये का 56 पिज्ज़ा है 56 दुकान का। अल्टीमेट है दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कि जो 56 दुकान का 56 रुपए का पिज्जा इतना टेस्टी होगा। ये बजट का जो है आपका पिज्जा है और आप इस बजट में पिज्जा खाना खाएं तो आप यहाँ पे जरूर आएं और इस पिज्जा को अल्टीमेट ट्राई करें। और साथ ही आप देख सकते हैं तंदूरी चाय, उनकी चाय भी बहुत फेमस है। तो राहुल बोस आपका जो ये पिज्जा है ना, देखिए वाकई वर्थफुल है और हर कोई यहाँ पे रिकमेंड करना चाहेगा, एक्सप्लोर करना चाहेगा, क्योंकि 56 रुपए में पिज़्ज़ा कौन देता है। तो मैं कहता हूँ 56 रुपए में पिज़्ज़ा 56 दुकान का राहुल देता है। यहाँ पे आप ज़रूर आए और यहाँ पे तंदूरी चाय और फूड ट्राई करें और 56 रुपए का 56 पिज़्ज़ा जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, ये तंदूरी, आपने कॉफ़ी लिया है? तंदूरी कॉफ़ी। आप यहीं लोकल हैं या नहीं? हम बाहर से, राजस्थान। अच्छा, अजमेर से आए। तो देखो ये भी हमारे राजस्थान वाले हैं, मैं माउंट आबू से हूँ और ये अजमेर से आए हैं। और आपको ये 56 दुकान का ये तंदूरी चाय कैसा लगा? अच्छा, पहले बात दोनों का 56 दुकान का कंसेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। और मानते हैं कि नहीं ऐसा राजस्थान में भी होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों। और ये चाय कितनी अल्टीमेट है? जवाब है, कोई जवाब नहीं है। और ये व्यूअर्स हैं और ये अजमेर जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे। हमने पूछ लिया था, हम अभी हमारे यहाँ संत कवि चतुर्मास में दर्शन करने आए हैं, तो आप जाएंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर होता है वो बिल्कुल सही बोलता है। तो दिस इज संतोष गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम राहुल फूड, 42 नंबर शॉप, 56 दुकान। बाय बाय।